लास्ट का भी कंडीशन पढ़ाता वो था स्ट्रक्चर, इसमें था बॉन्ड लेंथ फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, उसके बाद था कंडेंस फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं इसको बोलेंगे रेजोनेंस। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन हमने स्टार्टिंग में देखा था। किसमें? किसमें? केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में देखा था। कंडीशन तो मतलब, ठीक है, कंडीशन बोला था मैंने, चार या पांच कंडीशन लिख दिए थे कि कब वो रेजोनेंस शो करेगा और कब वो रेजोनेंस शो नहीं करेगा। रेजोनेंस का दूसरा नाम आता है कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस का दूसरा नाम रहेगा कॉन्जुगेशन, या तो इसका तीसरा नाम जो होता है इसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, कॉन्जुगेशन इफेक्ट या तो मेसोमेरिक इफेक्ट, ये तीन नाम है एक ही कंसेप्ट के। ठीक है, तो हर बुक में नाम अलग अलग दिया होगा लेकिन तीनों का मतलब सेम होता है, यही मान के चलना है। पहली बात, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन है, सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं ए एंड बी, इनके बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके बीच में ए और बी। ठीक है, एटम ए और बी कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कार्बन ही होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए, कोई भी ऐसा एटम होना चाहिए जो दो से ज्यादा बॉन्ड बनाए। ठीक है, अब ए और बी इन दोनों को यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है जेड, और अटैच है जेड। जेड का मतलब कोई भी एटम हो सकता है। ठीक है, कोई भी, ऐसा नहीं कि डी ब्लॉक का होना चाहिए, पी ब्लॉक का होना चाहिए, एस ब्लॉक का होना चाहिए, कोई भी एक होगा। यहाँ पे जो जेड है, इस जेड के पास, जेड के पास या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, या तो सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या तो उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, या तो यहाँ से डबल बॉन्ड शुरू होना चाहिए। दीज आर द फाइव कंडीशंस। कंडीशन नंबर वन, डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट वाला एटम है, डबल बॉन्डेड एटम का नेक्स्ट वाला एटम, इस एटम पे या तो पॉजिटिव चार्ज, या तो नेगेटिव चार्ज, या तो अनपेड इलेक्ट्रॉन, या तो लोन पेयर, या तो डबल बॉन्ड शुरू होना चाहिए। डबल बॉन्ड शुरू होना चाहिए, डबल बॉन्ड खत्म नहीं होना चाहिए। इफ ये कंडीशन वो शो करता है, इसका मतलब वो क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। इनमें से एक भी कंडीशन वो शो नहीं करेगा, इसका मतलब वो रेजोनेंस इफेक्ट को शो नहीं करेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, आधा हम यहाँ पे पढ़ेंगे और बचा हुआ आधा इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए जितना काम का है उतना मैं बता देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं दो चार, ये देखने के लिए कि वो किस प्रकार से रेजोनेंस को शो करेगा। फर्स्ट वन हम यहाँ पे लिखते हैं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू अटैच टू सी एच। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है कि वी आर द डबल बॉन्डेड एटम, और डबल बॉन्डेड एटम का नेक्स्ट वाला एटम कौन सा है, कार्बन के हाइड्रोजन, क्योंकि ये कार्बन यहाँ पे डायरेक्टली किसको अटैच है, कार्बन को या हाइड्रोजन को। ठीक है, तो ये डबल बॉन्डेड एटम के नेक्स्ट वाला एटम जो है वो क्या है, कार्बन। इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है, नेगेटिव चार्ज, अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, डबल बॉन्ड शुरू हुआ नहीं, इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर जो रहेगा वो रेजोनेंस इफेक्ट को शो नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन, एग्जांपल आई एम राइटिंग CH2 डबल बॉन्ड CH2 अटैच टू CH2 विद पॉजिटिव चार्ज। सिंपली रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब मैंने, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज का मतलब होता है जिसका पोजीशन चेंज होगा, और लोकलाइज का मतलब होता है पोजीशन फिक्स होना। तो वर्ड बोल रहा हूँ, एक को मैंने बोला है लोकलाइज और दूसरों को बोला है डीलोकलाइज। लोकलाइज का मतलब होता है जिसका पोजीशन फिक्स होगा, और डीलोकलाइज का मतलब होता है जिसका पोजीशन चेंज होगा। समझा नहीं समझा?
वह जहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको हम बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है। यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड है, लेकिन इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, और इसीलिए यहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम इसकी बात करते हैं, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? कैसे पता चला? ये डबल बॉन्डेड एटम है, इसके नेक्स्ट वाला एटम कौन सा है? कार्बन है, और इस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा वो क्या करेगा? रेजोनेंस को शो करेगा। क्या करेगा? रेजोनेंस को शो करेगा। रेजोनेंस में क्या होगा? ये वाला पाई बॉन्ड जो रहेगा वो यहाँ चले जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। रिपीट करता हूँ मैं, ठीक है? ये पाई बॉन्ड यहाँ चला गया, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये बनेगा CH2+ सिंगल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2। समझा नहीं समझा? तो इसका मतलब इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है? दो। और इनको बोलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कितने पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, उसके पीछे फिलहाल नहीं भागना है, उसके लिए बाद में भागेंगे। पहले ये देखेंगे कि क्या वो रेजोनेंस शो कर रहा है, और इफ वो रेजोनेंस शो करेगा तो कौन कौन अपना पोजीशन चेंज करेगा। सही है? अब यहाँ पे आप मुझे बताओ किसने पोजीशन चेंज किया? कार्बन ने? कार्बन ने नहीं, हाइड्रोजन ने? मतलब एटम्स का पोजीशन चेंज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन चेंज होता है, और होगा तो पाई बॉन्ड का होगा, सिग्मा बॉन्ड का नहीं होगा। सही है? तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड था वो पहले लेफ्ट साइड के दो कार्बन के बीच में था, अभी वही पाई बॉन्ड राइट साइड में दो कार्बन के बीच में है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इनका पोजीशन चेंज हुआ, तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम लोकलाइज बोले कि डीलोकलाइज? यहाँ पे लोकलाइज था, यहाँ पे डीलोकलाइज है, और जहाँ पे ऐसा डीलोकलाइजेशन होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स दो रहेंगे, और अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक रहेगा। इसकी तरफ ध्यान रखना है। सही है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, अनपेयर का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। यहां तक ठीक है? नहीं समझा? साथ में पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप मुझे बताओ यहाँ पे कौन कौन ने किसने किसने अपना पोजीशन चेंज किया? पाई बॉन्ड और पॉजिटिव। पाई बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, कितने पाई बॉन्ड? एक है दो? एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव में जीरो। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं? और जो इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज करते हैं वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है पाई इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? देखो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकता है। क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कितने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, या तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स बोला है तो वही इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं जो पाई बॉन्ड में है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन्स जो अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। दोनों डिफरेंट है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स और पाई इलेक्ट्रॉन्स।
पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के वजह से है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन्स अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, समझा दोनों के बीच का डिफरेंस, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब पाई बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स अपना पोजीशन चेंज करें। ओके, मैं यहाँ पे दोनों लिखता हूँ, ये कौन सी इलेक्ट्रॉन है, अब मैं लिखता हूँ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड कितना है तीन, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे दो, क्योंकि एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, ये अभी जो बोला था ये थोड़ी देर के बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच अटैच टू सी एच टू नेगेटिव, हो गया। ठीक है, पहली बार तो ये देखना है कि अरेंजमेंट क्यों करेगा, कैसे पता चला, ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट वाला एटम कौन ठहरा, और उस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा है, और एक कंडीशन बताती है कि ये रेजोनेंस शो करेगा, सही है। आप मुझे बताओ पाई बॉन्ड कितने हैं, और पाई बॉन्ड एक है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो अब देखेंगे जब ये रेजोनेंस शो करेगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, नहीं समझा, अब क्या होगा, ये बन जाएगा CH2 CH2 CH2, और ये नेगेटिव यहाँ आया, क्या कार्बन ने अपना पोजीशन चेंज किया, हाइड्रोजन ने किया, किसने किया, पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब मुझे बताओ पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज करेंगे, यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो यहाँ पे टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स ने अपना पोजीशन चेंज किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दो, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन चार, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड के वजह से है, और पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, नहीं समझा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मुझे आगे जाके पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही काम है और इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे चार, और मैं लिखता हूँ पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नहीं समझा, यहाँ तक ओके है। एक एग्जांपल और बता दो, नंबर फोर, यहाँ लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH अटैच टू CH2 और ये सिर के ऊपर एक चार्ज दिया, देखो ध्यान रखना है पॉजिटिव चार्ज है तो कटायन बनेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो अनायन बनेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो रेडिकल बनेगा, क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा, समझा नहीं समझा, तो यहाँ पे ना कटायन है ना अनायन है, क्या है, पहली कंडीशन ये, क्या रेजोनेंस शो करेगा, कैसे पता चला, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले एटम के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये रेजोनेंस शो करेगा। ओके, कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड रहेगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रहेंगे दो, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रहेंगे दो, रेजोनेंस कैसे शो करेगा, देखो पहले मैं ये बता रहा हूँ रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं करेगा, अब क्या होगा, ये वाला एनपेड यहाँ आएगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स चेंज करेंगे, एक दो और एक तीन, इसके बाद आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर को देख के भी काउंट कर सकते हो कि उसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये और ये रेजोनेंस शो करेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है वन और इसके पास इलेक्ट्रॉन है दो, तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, समझा नहीं समझा, ओके, ये भी रेजोनेंस शो करेगा, ये भी रेजोनेंस शो करेगा, ये भी रेजोनेंस शो करेगा। नेक्स्ट वन, नंबर फाइव, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच अटैच टू सी एच अटैच टू सी एच टू, क्या ही रेजोनेंस शो करेगा, कैसे पता चला, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले एटम
से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे कंडीशन ये भी बताया था ना मैंने, हम इधर से आते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, और डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के नेक्स्ट वाले एटम से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है। किसी एक साइड से होगा तो भी चलेगा, दोनों साइड से जरूरी नहीं है, यहाँ पे दोनों साइड से है। डबल बॉन्डेड एटम के नेक्स्ट वाले एटम से डबल बॉन्ड शुरू होना चाहिए, और यहाँ पे ऐसा हुआ है, मतलब एक पाई बॉन्ड एक डबल बॉन्ड जहाँ पे खत्म होता है उसके नेक्स्ट वाले एटम पे पाई बॉन्ड शुरू होना चाहिए, और ये कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही है। इसका मतलब ये क्या करेगा, ठीक है, नहीं समझा? तो यहाँ पे आ गया ठीक। इसका मतलब यहाँ पे टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड क्या करेंगे, रेजोनेंस शो करेंगे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और इसके पास कितने होंगे, तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, चार, कितने रहेंगे, चार। मैं समझा, ठीक है, चलो एक एग्जांपल पहले लिख लेते हैं, बाद में लिखने के लिए टाइम मिलेगा। CH2 पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब है, पाई बॉन्ड कितने हैं उससे मतलब नहीं है। रेटिनल स्ट्रक्चर क्या होगा, वो इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इलेक्ट्रॉन उतने रहेंगे, ये आगे बातें समझ में आएगा, क्योंकि जब तक मैं बॉन्ड फिजर नहीं पढ़ाऊंगा तब तक ये नहीं, इसलिए मैंने बोला था कि आधा रेजोनेंस यहाँ पे है आधा बॉन्ड फिजर के पास, ठीक है। नहीं, रिंग के लिए भी होता है, रिंग के एग्जांपल भी देखेंगे। डिसाइड कर लो पहले, तीन चार, तीन चार पांच छह, देखो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन दोनों का आंसर अलग अलग आ सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके नेक्स्ट वाले एटम से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, मतलब ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड खत्म हुआ, इसके नेक्स्ट वाले एटम से डबल बॉन्ड शुरू हुआ, इसका मतलब ये वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नहीं समझा? टोटल कितने पाई बॉन्ड है, तीन, एक दो तीन, रूल के हिसाब से तीनों के तीनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले एटम से डबल बॉन्ड शुरू होना चाहिए, नेक्स्ट वाले में बोला है, नेक्स्ट का नेक्स्ट वाला नहीं, डबल बॉन्ड यहाँ पे खत्म हुआ, इसका नेक्स्ट वाला एटम ये है, क्या यहाँ से डबल बॉन्ड शुरू हुआ, इसका मतलब ये लास्ट वाला जो पाई बॉन्ड रहेगा ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कितने रहेंगे, नहीं समझा? देखा, सभी देख लो, वन से लेकर सिक्स तक, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जांपल हो गए, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद पाई बॉन्डेड एटम, इफ पाई बॉन्डेड एटम के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो फॉर्म में हो सकता है, कौन सा, लोन पेयर, तो
तो यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे या तो अनपेड इलेक्ट्रॉन, कोई भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो अनपेड इलेक्ट्रॉन। इफ ये डबल बॉन्डेड एटम के साथ है तो ये कैसे रहेंगे, लोकलाइज। लेकिन हम जो काउंट कर रहे हैं वो लोकलाइज या डीलोकलाइज, इसको काउंट नहीं करना है। इसको काउंट नहीं करना है जो डबल बॉन्डेड एटम बाय बॉन्डेड एटम के पास रहेंगे उनको काउंट नहीं करना है। आप एग्जांपल लूंगा तो समझ में आ जाएगा। 16 तक हो गया, कंप्लीट लिख के हो गया, डाउट है कुछ देखो, लिखना तो जल्दी लिख सकते हो, ठीक है। पॉइंट लिखा है वो या यहाँ पे लोन पे वाला कंटिन्यू कर। क्यों नहीं, कंडीशन 5 है, डबल बॉन्डेड एटम के नेक्स्ट वाले कार्बन पे या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज या तो लोन पे या तो अनपेड या तो डबल बॉन्ड शुरू होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है और इसीलिए ये वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस शो नहीं करेगा। तो बचे कितने, 1 और 2, ठीक है। ये था नंबर 6। मैं नंबर 7 यहाँ लिखता हूँ, CH2 double bond CH attacks to CH double bond CH attacks to CH with unpaired attacks to CH double bond CH। इसको सीधा भी लिख सकते हो, जगह नहीं फिर से लिखा। पाई बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कितने, 7।
तो यहाँ पे हम बोलेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेवन, कितना होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेवन, ठीक है। नंबर एट, सी एच थ्री अटैच टू सी एच टू अटैच टू एन एच टू, बाय बॉन्ड ही नहीं है, इसके पास भले ही लोन पेयर है, इसके पास भले ही लोन पेयर है, लेकिन पहले कंडीशन क्या है, ये होना चाहिए, ये तो है ही नहीं, और इसलिए ये वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा वो रेजोनेंस शो नहीं करेगा। जो रेजोनेंस शो करेगा उसी के पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, जो लोन रेजोनेंस शो ही नहीं कर रहा है उसके पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने हैं। नंबर नाइन, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच अटैच टू एन एच टू, 30 सेकेंड, ठीक है। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। रूल क्या कहता है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले पे लोन पेयर होता है तो ये क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है, यहाँ का पाई बॉन्ड और यहाँ का लोन पेयर, तो पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए चार। इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, चार। रेजोनेंस शो करेगा। नंबर 10, CH2 डबल बॉन्ड CH अटैच टू C डबल बॉन्ड CH2 अटैच टू, अटैच टू CH डबल बॉन्ड NH, पहली कंडीशन रेजोनेंस शो करेगा नहीं करेगा, ओके। 10 सेकंड के लिए दूसरा क्वेश्चन, तब तक किसी का आवाज नहीं आएगा, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और कैसे, डन। अब रेजोनेंस शो करेगा, डबल बॉन्डेड के नेक्स्ट वाले कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, रेजोनेंस शो करेगा, तो इतना कंफर्म है कि ये वाला पाई बॉन्ड और ये वाला पाई बॉन्ड दोनों क्या करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर। माय क्वेश्चन इज दैट, क्या यहाँ पे जो लोन पेयर है ये लोकलाइज होगा कि डीलोकलाइज, क्या लिखा है, कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे होता है, पाई बॉन्डेड एटम पे होता है, तो वो वाला लोन पेयर, वो वाला अनपेयर, वो वाला नेगेटिव चार्ज कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है उसको लॉक कर देता है, पाई बॉन्ड क्या करता है, लॉक। तो इफ ये जो भी है ये चारों ये पाई बॉन्डेड एटम के ऊपर अटैच्ड है तो ये आपके काम में कभी नहीं आएंगे और आपको हेल्प भी नहीं करेंगे रेजोनेंस शो करने के लिए, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड इन सब को लॉक कर देता है, क्या करता है, लॉक। तो यहाँ पे तो नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, पर ये वाला लोन पेयर पाई बॉन्डेड एटम के ऊपर होने की वजह से ये वाला नाइट्रोजन क्या शो नहीं करेगा, रेजोनेंस शो नहीं करेगा। तो अब तुझे बताओ पांच इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पांच इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, चार। समझा नहीं समझा, हम आते हैं रिंग की तरफ, पढ़ते सोचा रिंग के एग्जांपल देख लेते हैं। पहला ही आसान क्वेश्चन देता हूं, देखो बॉन्ड लाइन तो मैंने पढ़ाया है, तो यहाँ पे ये मानना है जहाँ पे कार्बन है, जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे कार्बन है, वैलेंसी जितने बाकी है उतने हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और है तो ही यहाँ पे लिखा जाएगा, अदरवाइज लिखा नहीं जाएगा। 30 सेकंड तक किसी का आवाज नहीं आएगा,
पहला क्वेश्चन ये है रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं करेगा, और दूसरा क्वेश्चन ये है इफ यस तो हाउ मेनी विल बी पाई इलेक्ट्रॉन। हो गया टाइम शुरू 30 सेकंड के लिए। कितने लोग? ओके चलो उधर ध्यान दो, जिनका हुआ है जिनका नहीं हुआ है दोनों। पहली बार डबल बॉन्डेड के नेक्स्ट वाले एटम से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड दोनों क्या करेंगे? रेजोनेंस शो करेंगे। ये डबल बॉन्ड जहां पे खत्म होता है उसके नेक्स्ट वाले एटम से क्या शुरू हो रहा है, मतलब ये वाला पाई बॉन्ड भी क्या करेगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पे ड्रॉ नहीं किया है जानबूझ के, ये आपको समझना है कि नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड बनाए हैं तो उसके पास एक लोन पेयर बचा होना चाहिए। अब देखो कंफ्यूजन कैसे होता है, डबल बॉन्डेड एटम के नेक्स्ट वाले एटम पे लोन पेयर है, डबल बॉन्डेड एटम के नेक्स्ट वाले एटम पे लोन पेयर है, तो ये वाले कंडीशन के हिसाब से ये लोन पेयर भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम इस साइड से जाते हैं तो ये लोन पेयर जिस एटम पे है वो एटम पाई बॉन्डेड है, वो एटम है पाई बॉन्डेड, एक भी पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्डेड। और रूल क्या कहता है, एक वो पाई बॉन्डेड होता है तो वो कैसा होगा? लोकलाइज होगा, डीलोकलाइज होगा। इसका मतलब ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज होगा कि नहीं होगा, मतलब डीलोकलाइज होगा कि नहीं होगा, घूमेगा नहीं घूमेगा, रिजल्ट पे पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा। ये वाला नाइट्रोजन जो रहेगा उसका लोन पेयर रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा। समझा नहीं समझा? तो किसने किसने पार्टिसिपेट किया? पाई बॉन्ड में तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? तो पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी सिक्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी सिक्स। एक एग्जांपल और बताता हूं फिर डाउट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 ध्यान रखना है स्ट्रक्चर की तरफ। थर्टी सेकंड का टाइम है, क्वेश्चन वही है रेजोनेंस शो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कैसे और हाउ मेनी विल बी पाई इलेक्ट्रॉन। पहले बोला था मैं लिखूंगा तो हमेशा बॉन्ड लेंथ के फॉर्म में ही, तो आप उसको कन्वर्ट करना है कंडेंस में, क्योंकि मेरे लिए ये ड्रॉ करना इजी होता है। शुरू हो रहा है तो ये दोनों के दोनों पाई बॉन्ड तो पक्का पार्टिसिपेट करेंगे,
इधर से जा रहे हैं तो डबल बॉन्डेड एटम के नेक्स्ट वाले एटम पे क्या है? इधर से जाएंगे डबल बॉन्डेड के नेक्स्ट पे क्या है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा? यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता था, यहाँ पे ये नाइट्रोजन का लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है। किसी एटम के पास एक से ज्यादा है लोन पेयर तो मैक्सिमम वन लोन पेयर पार्टिसिपेट कर सकता है। किसी के पास लोन पेयर भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो या तो आपको लोन पेयर को कंसीडर करना है या तो आपको नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करना है, सबको नहीं मिलाना है, समझा? ओके हाँ। अब दो चार और छह तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? छह। इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन छह है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन छह है, लेकिन ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज नहीं हो रहा है और इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज हो रहा है, इसके वजह से अभी तक ओके 12 एग्जांपल। जो डाउट है तो पूछ लो, एक मिनट का टाइम देता हूँ। अमाउंट नहीं है, तो
ऐसे टाइम पे ये सोचते हैं कि उस प्लॉट को बेच दे, और उन्होंने इस प्लॉट का प्राइस रखा है 9 लाख रुपए। अब जैसे ही उन्होंने ये दोनों को बोला, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया कि मुझे प्लॉट बेचना है 9 लाख, ये बोलेगा आज तक तो पूछ रहा था, तब तो नहीं बोला, हमने तो 10 के बदले मतलब 9 के बदले 12 लाख देने के लिए तैयार थे, ये बोला कि मैंने पूछा तब भी नहीं बोला। अब पैसे तो दोनों के पास है, पैसे तो दोनों के पास है, लेकिन इसका पैसा मार्केट में घूम रहा है और इसका पैसा अभी भी अवेलेबल है। अब बी वाला जो है उसको सी बोल रहा है कि मेरे पास पैसे हैं, रुक जाओ कुछ दिन, मैं मार्केट से पैसे वापस लेता हूँ फिर आपको देता हूँ। ये बोलेगा मेडिकल इमरजेंसी है, वेट नहीं कर सकते, ऐसे टाइम पे वो किसके साथ जाएगा। अब डोनर तो दोनों है, बायर बायर तो खरीदने वाले तो दोनों है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग खरीदने वाला है और ये वीक खरीदने वाला है, क्योंकि इसके पास पैसा अवेलेबल है, इसके पास पैसा है लेकिन नहीं के बराबर है, तो ये वाला घर किसके पास जाएगा। नहीं समझा, सेम कंडीशन यहाँ पे है, लोन पे इसके पास भी है, लोन पे इसके पास भी है, इसका लोन पे कहीं घूम नहीं रहा सिंपल है, और इसका लोन पे तो वो घूम रहा है, तो ये वाला लोन पे नहीं मिलेगा, ये वाला लोन पे तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा। ये बोलेगा रुक जा घूम के आ रहा है लोन पे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसके पास तो अवेलेबल है। ये तो भी मजाक वाली बात, लेकिन काम की बात। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, इस प्रकार का एक मॉलिक्यूल था और दूसरा मॉलिक्यूल दिया था ऐसे अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे था नाइट्रोजन और यहाँ लिखा था NH2। क्या लिखा था? NH2। और NH2 ने के पास क्या रहेगा? लोन रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन एक या दो बार पूछा ही, इस प्रकार के क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा था, ये और ये, इसको हम नंबर 13 बोल देते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने बार में घूमते बैठे। क्वेश्चन ये पूछा था इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये नहीं पूछा था कौन बेस होगा, ये पूछा था कौन स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा उसका रीजन पता है। डबल बॉन्ड में एटम के नेक्स्ट वाले एटम पे क्या है? लोन पेयर, मतलब ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस और जो पार्टिसिपेट करेगा वो वीक बेस, क्योंकि इसका लोन पेयर मार्केट में घूम रहा है तो मार्केट से निकालने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, पर तब तक कोई भी हाइड्रोजन वेट नहीं करेगा, तो वो उसके पास जाएगा जिसके पास लोन पेयर अभी अवेलेबल है। नहीं समझा? तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि कौन ज्यादा बेसिक रहेगा। ओके, पहला क्वेश्चन रेजोनेंस शो करेगा कि हां तो कैसे और ना तो क्यों नहीं, और है तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे।
हम ट्राई करते हैं कि वीडियो एज सून एज पॉसिबल अपलोड करें, जो तो आपके दोस्त लोग घर पे है उसको बोल देना कि स्कूल में चेक करते रहे और नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करने से पहले और उसको देखें। अब तो ठीक है, जनरल चल रहा है, दवाइयों के नॉमिक लेक्चर शुरू हो जाएगा तो उनके रूल्स होते हैं, रूल वन, रूल टू, रूल थ्री। अब रूल वन टू यहाँ पढ़े, रूल थ्री हम लोग बायो में पढ़ेंगे। वो क्या काम कंप्लीटेड क्यों नो हनुमान, कितने लोगों का हो गया? मतलब डिफिकल्टी है या टाइम लग रहा है? लास्ट में आंसर बता दो क्या हुआ तुझे? Thank you.